सो हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माई चैनल गाइज। अभी मैं हूँ दिल्ली में, हम रेडी हो चुके हैं, अब हम जा रहे हैं शॉपिंग करने चांदनी चौक जाके मिलते हैं आपसे। और गाइज दीबू ना कैब बुक करा है, कैब बुक करने के बाद हम जाएंगे चांदनी चौक, मिलते हैं वहाँ जाके। सो गाइज दीबू ना कैब बुक करा था, लेकिन वो कैब ना राइट उठा नहीं रही थी हमारे लोकेशन से। सो फिर हमने ऑटो बुक करा, हमारे पास थोड़ा सामान भी है जो मुझे रिटर्न करना है। गाइज ऑटो में ना मैं दीबू रजत भी आए हैं, थोड़ा सा सामान है तो हम जा रहे हैं चांदनी चौक। मुझे गांधीनगर भी जाना है गाइज, और भी एक दो जगह जाना है, और चांदनी चौक में मेरे को दो तीन शॉप्स में जाना है जहाँ मैं मुझे जाती हूँ मैं। गाइज मुझे अपने शॉप के लिए सामान लेना है, अगर मेरे से व्लॉग हो पाएगा मैं करूँगी, अदरवाइज मैं आज व्लॉग नहीं कर पाऊँगी क्योंकि मेरा दिन बहुत हैक्टिक है और मुझे बहुत सामान लेना है। हम ऑलमोस्ट पहुँच ही गए हैं चांदनी चौक। सो गाइज ये है चांदनी चौक। सो गाइज यहाँ पे मुझे दो चार शॉप्स में जाना है जहाँ से मैं सामान लेती हूँ। मेरे पास टाइम नहीं होगा, मैं व्लॉगिंग नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मैं बहुत बिजी हो जाऊंगी। सो गाइज एक ही दिन में मुझे सारा काम करना है क्योंकि मैं सोच रही हूँ शाम को हम रात को निकल जाएंगे वापस। सो गाइज घर में मम्मा और टोबोजोरो भी हैं तो अकेले सब मैनेज कर रहे हैं, इसलिए मैं सोच रही हूँ जल्दी काम करके निकल जाएंगे वापस। सो इसलिए मैं अपना आज सारा टाइम अपने काम को दे रही हूँ गाइज, सो उसके लिए सॉरी। सो गाइज रात हो गई है। सो गाइज हमने चांदनी चौक से ऑलमोस्ट सारी शॉपिंग कर ली है, अब हम जाएंगे गांधीनगर। अभी इस टाइम 6:30-7 बज रहे हैं और हम 9:30-10 बजे तक फ्री हो जाएंगे गांधीनगर से, और फिर हम घर निकल जाएंगे, जो मैं सोच रही हूँ, जो मेरा प्लान है। और पीछे दीवू और रजत भैया चल रहे हैं, ये हैं दीवू और रजत भैया, और मैंने फटाफट शूट करा और हम निकल रहे थे क्योंकि हमें भूख भी लगी थी। गाइस अभी रात के 12 बज रहे हैं और हम वापस निकल चुके हैं, गांधीनगर वाला हमारा काम हो चुका है, हमने खाना भी खा लिया जहाँ हमने स्टे किया था। गाड़ी रजत भैया चला रहे हैं, दीवू साथ में बैठा है। टाइम देखिए 12:11 हो रहे हैं। अब रात को मैं इतना थक चुकी हूँ गाइस, अब मैं सो जाऊँगी अगर मेरे को नींद आएगी, क्योंकि पूरे दिन इतना हेक्टिक रहा है, सारे थक चुके हैं, रजत भैया और दीवू भी थके हैं, बट वो हाफ ऑफ करके गाड़ी चला लेंगे। सो गाइज हम दिल्ली से बाहर निकल चुके हैं, 12:26 हो रहे हैं। सो अब सुबह पहुंचेंगे, सुबह पहुंच के अगर मेरे से व्लॉग हो पाएगा मैं करूंगी, अदरवाइज गाइज सॉरी आज। सो गाइज मिलती हूँ आपको आगे जाके थोड़ी देर में कि आगे क्या होता है, अगर मैं जागी रही तो मैं व्लॉग करूंगी, अदरवाइज गाइज मैं सो जाऊंगी। हेलो गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल। आज है मंडे और कल हम वापस आए थे कहाँ से, दिल्ली से। तो कल मैं इतना थक चुकी थी मैं व्लॉग नहीं कर पाई गाइज, और हम गए थे फ्राइडे को और रात को, वो तो मैंने शूट करा है आपको व्लॉग में दिख गया होगा। सैटरडे को हमने शॉपिंग करी और संडे को हम सुबह सुबह वापस आ गए थे, मतलब हम घर पे 10 बजे पहुंचे थे, बट रात के बाद मैं व्लॉग नहीं कर पाई थी क्योंकि मैं इतनी थक चुकी थी गाइज। सो गाइज मैं हमेशा सोचती हूँ मैं व्लॉगिंग आपको दिखाऊं कि मैं कहाँ गई हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, बट दिन इतना हैक्टिक होता है, एक दिन में आपको ट्रैवल करना, शॉपिंग करना और वापस आना। सो गाइज मेरे को कोई कंपल्शन नहीं था कि मेरे को एक दिन में आना, बट मैं खुद आई क्योंकि घर पे मम्मा और पापा और टोबोजोरो थे, तो उनके लिए ना सारा कुछ मैनेज करना मुश्किल और था, टोबोजोरो को भी संभालना, बाकी काम भी करने। सो मेरी कोशिश ये थी कि मैं जितना जल्दी हो सके अपना काम खत्म करके वापस घर जाऊँ। सो हम चांदनी चौक से हमने शॉपिंग करी, 2-3 शॉप से जहाँ मैं गई थी, फिर हम गांधीनगर गए, वहाँ पर हमारे 3 घंटे लगे, और उसके बाद 10:30-11 बजे हम फ्री हुए, फिर ने डिनर किया जहाँ हम रुके थे, और उसके बाद हम वापस आ गए घर। तो रास्ते में 2:30 बजे तक तो मैं व्लॉग मतलब ऐसे शूट कर रही थी, बट मेरे से हिम्मत नहीं होती बोलने की, और उसके बाद फिर ऐसे समय तो नींद पड़ गई और फिर मैं सो गई थी। बीच में मैं उठ रही थी बट मैंने व्लॉग नहीं बनाया, मैं आपको सिर्फ रोड दिखा के बोर नहीं करना चाहती थी कि भाई मैं वापस जा रही हूँ। सो मैंने कहा था कि अगर मेरे से शूट होगा मैं करूँगी, अदरवाइज नहीं होगा तो मैं नहीं करूँगी। सो गाइस कल जब सुबह हम 10 बजे पहुंचे तो हमारी आंटी जो है सफाई वाले वो नहीं आए थे। सो कल कुछ सामान हम साथ लेके आए थे, जैसे कि ये डमीज आपको बाहर दिख रहे होंगे, ये डमीज मैं लेके आई साथ में, और ये स्टैंड लेके आई मैं साथ में जो आपको दिखाना चाहती हूँ, ये स्टैंड लेके आई, डमीज लेके आई, और एक दो रॉड्स लेके आई, मतलब वो उस तरफ पड़ी है, ये पड़ी है लोहे वाली, तो ये लेके आई, इनको सेटिंग करना था। तो फिर डमीज तो कल खोले ओपन करे, बट सेटिंग आज करी है गाइस। कल और भी थोड़ा मैंने रेडीमेड सामान लाया है, ये जो नीचे वाले रैक्स हैं,
सो गाइस नीचे वाले रैक्स है मैंने आपको दिखाया था। सो गाइस जैसे मैं गई थी मैंने आपको दिखाया था ये रैक्स बिल्कुल खाली थे। सो आज मैंने मतलब कल मैंने ये सारे भर दिए थे। सो गाइस मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं व्लॉगिंग के साथ ये वाला काम करूँ। फिर मैंने पिछला व्लॉग एडिट किया वो डाला अपलोड किया करा। मेरे से इतना भी हो गया मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। हिम्मत नहीं थी कि इतना काम करने के बाद जब मैं इतनी थकी हुई थी मैं घर आई तो मुझे ये पता लगा कि आंटी नहीं आया सफाई वाले तो मम्मा बेचारे लगे हुए थे। तो फिर मैंने झाड़ू झाड़ू कर दिया सफाई कर दी तो फिर मैं इसलिए भी व्लॉग नहीं बना पाई। और शॉप पे मैं कोई 2 बजे आई थी 1-1.5-2 बजे के पास। 2 बजे आने पर मेरा इतना खलारा पड़ा हुआ था यहाँ पे व्हाइट पॉलीथीन आपको दिख रहा है ऐसे कम से कम 10 पॉलीथीन थे जिसको मुझे खोलना था। वो सारी सेटिंग करनी थी ये सारा रेडीमेड वाला मुझे नीचे वाले 2-3 पोर्शन जो है लगाने 2 पोर्शन पूरे मुझे लगाने थे सेटिंग करने थे। इनकी चीज़ें चेक करनी थी कि क्या आया है मतलब बिल से चेक करना था। मेरे को बहुत काम था मैं इतना बिजी हो चुकी थी कि मैं व्लॉग नहीं कर पा रही थी कल। तो फिर मैंने सोचा था कल से न्यू स्टार्ट करेंगे जैसे आज के लिए आज से न्यू स्टार्ट करेंगे। सो संडे को हम वापस आए थे। सो गाइज आज है मंडे सो मैंने सोचा था आज स्टार्ट करेंगे। सो गाइज आज मैं सुबह किचन में मम्मा चपाती बना रही थी जब मैं उठी थी मैं इतनी थकी हुई थी तो मैंने क्या करा मम्मा ने मेरे को बोला तू कर ले ब्रेकफास्ट कर ले और तू बुजुर्गों को खिला और तू आज शॉप पे चले जा कोई बात नहीं काम हो जाएगा। तो मैं शॉप पे आ गई। आज शॉप पे आके सबसे पहले मैंने डमीज को ये डमीज दिख रहे हैं आपको ये बाहर दो डमीज इनमें मैंने थोड़ा सा जो मैंने लाया था वो थोड़ा सैम्पलिंग के लिए दिखाया। सो गाइज आज मैंने इन डमी पे जो कपड़े हैं मेरे पास रेडीमेड और अनस्टिच्ड वो मैंने सोचा कि मैं सैम्पलिंग के लिए बाहर डिस्प्ले में लगा दूं वो मैंने लगाए। सो अभी मुझे जो स्टैंड पे रेडीमेड कपड़े हैंग करने हैं वो मैंने हैंगर्स भी लाए हैं थोड़ा सा सामान लाया ऐसे से आपको दिखाऊंगी। फिलहाल मैं खुद थोड़ा स्टेबल हो जाऊँ मैं आज बुरी मेरे को आज थोड़ा ना हल्का सा लो फील हो रहा है क्योंकि ट्रैवलिंग फिर इतना काम फिर आके भी आप लगे हुए हो तो आज भी कोई गारंटी नहीं है कि आंटी आएंगी नहीं आएंगी सफाई वाली। तो फिलहाल तो मैंने मम्मा को बोला देख लो कि नहीं आते तो शाम को कर लेंगे। सो गाइज बाकी ये रहा कि फिलहाल सारी सफाई तो शॉप पे सफाई है गाइज पूरी सफाई है ऐसा कुछ नहीं है मैंने कल का सफाई करके रखा हुआ है। वो एक पॉलीथिन जो अभी आपको व्हाइट वाला दिख रहा है वो मैंने जस्ट अभी आके ना सामान खोल के रखा था तो नीचे गिर गया तो ये मैंने सामने सीजर और ये पॉलीथिन रखे क्योंकि मैं ये कपड़े निकाल रही थी ना बाहर डिस्प्ले करने के लिए ये रखे थे। वो अभी फिलहाल मैं सेटिंग करूंगी थोड़ी थोड़ी करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब मैं एकदम से आपको सब कुछ डिस्प्ले करके नहीं दिखा सकती मैंने ये लाया मैंने वो लाया क्योंकि टाइम लगेगा समझाने में मैं क्या लेके आई हूँ। सो गाइज मेरे को ना लोगों ने सजेशन दी थी यहाँ के लोकल यहाँ पे लोगों ने सजेशन दी थी कि मेरे को रेडीमेड पीसेस भी रखने चाहिए। पहले मैं इतने फेवर में नहीं थी रेडीमेड के फिर मैंने सोचा यार क्या जाता है रेडीमेड में आप कुर्ता सेट तो रख ही सकते हो तो मैंने कुर्ते रिलेटेड चीज़ें लाई हैं जो कोई भी पहन सकता है उस रिलेटेड चीज़ें लाई हैं। फिलहाल अगर मैं आपको बाहर डिस्प्ले में दिखा दूँ तो मैंने किस तरीके से डमी लगाए हैं मैं भी आपको दिखाती हूँ गाइस। सो गाइस ये देखिए एक मैंने रेडीमेड ड्रेस लगाई है पीछे ग्रीन वाली प्लाजो सेट है सिंपल और ये मेरा अनस्टिच सूट है ब्राउन वाला। सो गाइस ये पास से अगर दिखाओ तो ये देखिए फाइन फिनिशिंग के साथ है गाइस ये देखिए बड़े पास से दिखाओ तो ये देखो इसकी 2 2-पीस सेट है और ये अनस्टिच्ड है नीचे बॉटम है और ऊपर शर्ट है गाइस ये लगाया मैंने ये 2 डमीज लाए हैं जो आपको मैं दिखा रही हूँ मेरी शॉप के बाहर ये देखिए दूर से दिखाती हूँ। सो गाइज ये बोर्ड मैंने आपको दिखाया नहीं था ये भी लग चुका है पीछे। सो गाइज इसके बाद अंदर आके ना ये 2 रॉड्स हैं ये मुझे बाहर लगानी है मैं सोच रही थी इसको लगवाती हूँ डिस्प्ले में यहाँ पे सूट्स भी लगाऊंगी अनस्टिच्ड और ये मैंने स्टैंड लाया कुर्ते के लिए जो कुर्ते मैंने रेडीमेड पीसेज लाए हैं उसके लिए स्टैंड लेके आई हूँ मैं देख लीजिए 4-साइडेड है यस देख लिया। सो गाइज ये है स्टैंड बाकी ये चेयर्स और ये स्टूल तो दीवू की शॉप का यहाँ पे आ गया गलती से कुछ काम कर रहे ये मैंने सामान इकट्ठा करके रखा है जो बाहर फेंकना है और बाकी फिलहाल तो कोई खिलारा है नहीं है ये सीजर और पॉलिथीन इसने बाहर है क्योंकि ये जो डिस्प्ले कर रहे थे कुर्ते सेट ये भी कुर्ता और अनस्टिच और रेडीमेड इसके लिफाफे बाहर फेंकने मुझे और बाकी ये मेरा पूरा सेटिंग हो चुका है। गाइज मैंने आपको पिछली बार दिखाया था ये लास्ट वाले 2 पोर्शन खाली थे लास्ट की 2-2 शेल्फें हर एक स्टैंड में तो वो अब दोनों मैंने भर दिए हैं अभी ये सिर्फ रेडीमेड है इसलिए लास्ट वाली भरी है अभी मेरा अनस्टिच्ड आना है वो आएगा तो ऑलमोस्ट ये फुल हो जाएगा। तो कुछ कुर्ते के पीसेज यहाँ से निकलेंगे और मैं यहाँ पे लगाऊंगी फिलहाल अभी मैं वो काम करती हूँ। सो गाइस मैंने आपको दिखा दिया कि डमीज में मैंने कैसे डिस्प्ले किया रेडीमेड और अनस्टिच्ड और फिलहाल मैं इतनी एक्सपर्ट नहीं हूँ गाइज मैं कोशिश कर रही हूँ मैं अपने से अच्छा करने की बाकी लोगों को पसंद आना चाहिए मेरा तो 100% मैं दूंगी ही और देना भी चाहती हूँ गाइज। और ये वाली 2 जो शेल्फ है लास्ट वाली जिसमें रेडीमेड पीसेज लगे हैं इसमें से कुछ पीसेज मैं सिलेक्ट करके यहाँ पे डिस्प्ले करने वाली हूँ हर एक सेट का कोई एक सिंगल पीस में तो डिस्प्ले करूंगी क्योंकि जो भी देखने आएगा उसको क्या चाहिए वो तो वही जानता है मैं नहीं जानती मैं अपने से पूरी कोशिश कर रही हूँ कि अगले को मैं सेटिस्फाई कर पाऊँ। फिलहाल मैं यहाँ से रेडीमेड पीसेज निकाल के यहाँ पे डिस्प्ले करती हूँ। सो गाइज जैसे मैंने अभी आपको एक सेट दिखाया कुर्ता सेट ये ग्रीन वाला जो बाहर लगा डमी पे ये बिल्कुल सिंपल सेट है 2-पीस सेट है
और इसमें दुपट्टा नहीं है। मैंने ऐसे पीसेस लाने नहीं थे। मैं आपको बताती हूँ मेरे साथ क्या हुआ। मैंने ऑलमोस्ट जो भी सिलेक्ट करा था वो या थ्री पीस सेट था या वो सिंगल कुर्ता था, पता नहीं, बट मेरे दिमाग में ऐसा होता है कि टू पीसेस के साथ दुपट्टा कंपलसरी होता है। फील है, लो या ना लो अलग कंडीशन है। तो मुझे था कि थ्री पीस सेट लूँगी, तो मैंने ना इस कलर का कुर्ता सिलेक्ट करा था, ग्रीन कलर का, मतलब फ्रॉक में सिंपल अच्छा कपड़ा था। तो गलती से पैकिंग में ना ये सेट आ चुका है। सो गाइस, मेरा मन नहीं है कि ये सेट मैं रिटर्न करूँ, इसलिए नहीं कि कोई पैसे की बात है, इसलिए कि भाई अब आ गया है तो एक सिंगल सेट में क्यों रिटर्न करूँ। शायद आना था इसलिए वो आया, तो मैं कर्मा पे बिलीव करती हूँ। हो सकता है ये मेरे पास आना था इसलिए आ गया, अदरवाइज मैंने दो टू पीस सेट कोई सिलेक्ट करा ही नहीं था। मेरे पास सारे थ्री पीस सेट या फिर कुर्ते ही थे सिंगल, तो वो मैंने सिलेक्ट किए थे गाइस। तो हो गया, कोई बात नहीं, होता है, सबके साथ होता है। तो उस चीज़ के लिए मैं पहले प्रिपेयर थी कि जब भी आप शॉपिंग करते हो कुछ ऊपर नीचे होता ही है, क्योंकि जब आप नॉर्मली भी शॉपिंग करने जाते हो ना अपने लिए, तो भी कौन सी चीज़ कैसे आ जाएगी आपको कोई गारंटी नहीं होती है। तो वो तो फिर किस्मत की बात है कि अच्छा बुरा तो चलता रहता है। फिलहाल अभी मैं ना वो निकाल के यहाँ पे सेट करती हूँ। दुख नहीं है गाइस टू पीसेस सेट आने का, दुख ये कि अगला बोलेगा इसके साथ दुपट्टा नहीं है, ये फिर टोटली गर्लिश आइटम बन जाती है, फिर बड़ा नहीं ले सकता क्योंकि उसको दुपट्टे का कंपल्शन होता है। सो के देखते हैं क्या होता है इसके साथ। फिलहाल तो मैंने डिस्प्ले पे लगा दिया, अगर कोई पसंद करेगा तो ठीक है, अदरवाइज देखेंगे। तो अभी फिलहाल मैं कुर्ते लगा लेती हूँ जो मैंने रेडीमेड लाया है, और फिर मैं आपको दो चार पीसेस दिखाऊंगी। आज शाम को मैं डिस्प्ले करूंगी, आज मैं आपको रेडीमेड डिस्प्ले करूंगी या फिर अनस्टिच्ड जो भी है मैं अभी सोच के करूंगी। फिलहाल के लिए, अभी के लिए मैं आपको बाद में मिलते हैं गाइस।